का आंकड़ा और बढ़ सकता है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि प्रशासन हर संभव मदद करने के लिए प्रयास कर रहा है, तमाम एजेंसीज को मोबिलाइज कर दिया गया है। लेकिन तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, कंटेनर पलट गए हैं और गाड़ियों से उठता हुआ जो धुआं है वो साफ नजर आ रहा है, बोगियों से उठता हुआ धुआं आप देख सकते हैं। और ये टक्कर हुई है पैसेंजर एक्सप्रेस जो कि कंचनजंगा एक्सप्रेस है उसके और मालगाड़ी के बीच में, और आप ये देख सकते हैं कितना भीषण यह हादसा था। कंटेनर पलट चुके हैं, यानी मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी है पैसेंजर ट्रेन को, और पैसेंजर ट्रेन का जो पिछला पार्सल बोगी होता है, पार्सल रैक होता है, वो इंजन के ऊपर चढ़ गया है। यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी भीषण थी। सवाल यह खड़ा होता है कि एक ही ट्रैक के ऊपर आखिर मालगाड़ी और पैसेंजर आ कैसे गई, और ये कोई पहला ऐसा हादसा नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के हादसे को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि क्या सिग्नल मैलफंक्शन हुआ है, क्या सिग्नल में कोई गड़बड़ी हुई, क्योंकि एक ही ट्रैक के ऊपर मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन आखिर कैसे चल रहे थे और पैसेंजर ट्रेन के पिछले वाले डब्बे को टक्कर मारी है और इस दौरान ये भीषण हादसा हुआ है। दार्जिलिंग जिले का न्यू जलपाईगुड़ी का एक क्षेत्र है जहां पर यह हादसा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इस मामले की जांच और साथ साथ वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में इस समय जुड़ा हुआ है। हेल्पलाइन नंबर भी न्यू जलपाईगुड़ी ने जारी किया है जो आपके स्क्रीन पर मौजूद है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रेल हादसा कितना भीषण हुआ है ये आपको बता रहे हैं। दार्जिलिंग में हुए रेल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे पर दुख जताया है, साथ ही डीएम एसपी रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया है, और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है क्योंकि बेहद कीमती ये समय होता है। कीमती इस लिहाज से क्योंकि कई जानों को अगर बचाया जा सकता है तो यही वो समय होता है, क्योंकि हादसे के तत्काल बाद बहुत सारे लोग जो अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए अगर समय पर मदद पहुंच जाए तो उनकी जिंदगियों को बचाया जा सकता है। ये हादसे की जगह की तस्वीरें हैं जो आप जी न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं। हादसा कितना भीषण था उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ये जो ऊपर चढ़ा हुआ डब्बा आप देख रहे हैं ये दरअसल पार्सल रैक है, और इस तस्वीर को देखकर आपके मन में भी ये विचार आ रहा होगा कि अगर ये एक पैसेंजर बोगी होती तो मरने वालों का आंकड़ा कितना ज्यादा हो सकता था। हालांकि ये सामान से भरा हुआ रैक था और अभी फिलहाल ये जानकारी नहीं है कि इसके अंदर जो मरने वाले लोग थे वो कौन है, उनके पहचान को लेकर जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई है। लेकिन हादसा जितना भीषण है उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा रहा है। मालगाड़ी के कई डब्बे पलट गए हैं, साथ ही जो पैसेंजर ट्रेन है कंचनजंगा एक्सप्रेस उसके डब्बे भी डिरेल हुए हैं, और लगातार ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी में हुए हादसे की। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के क्षेत्र में यह भीषण हादसा हुआ है और इस रेल हादसे के अंदर जो मालगाड़ी है वो जाकर टकराई है पैसेंजर ट्रेन से, और तस्वीरें कुछ इस तरीके की नजर आ रही हैं। घटनास्थल के ऊपर कई डब्बे जो हैं मालगाड़ी के वो डिरेल हो चुके हैं, नीचे गिर चुके हैं, पटरी से उतर चुके हैं। साथ ही जो पैसेंजर ट्रेन है कंचनजंगा एक्सप्रेस डाउन की ये ट्रेन थी जिसका जो पैसा पार्सल रैक है वो इस समय इंजन के ऊपर चढ़ गया है, यानी इंजन ने पीछे से टक्कर मारी है। मालगाड़ी पीछे से आ रही थी उसने पैसेंजर ट्रेन को टक्कर मारी है और इसी हादसे के अंदर इंजन जो है उसके ऊपर चढ़ चुका है ये पार्सल रैक, और ये तस्वीरें हैं घटनास्थल की। हेल्पलाइन नंबर भी लगातार जो है वो शेयर किया जा रहा है, जी न्यूज भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी से ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, साथ ही सियालदा स्टेशन ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। स्थिति अभी थोड़ा गंभीर है, ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको टोक दिया। तीन बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटल्टी हुआ है, कैजुअल्टी हुआ है, 5 अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा, आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है, ठीक है। डेथ कैजुअल्टी कितनी हुई है अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है, ठीक है। और कितने लोगों की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक, ठीक है। इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25-30 नियरली, बट द इंजरीज आर नॉट फैटल, वी हैव ऑलरेडी रेस्क्यूड देम विद देयर लगेजेस। एवं एखाने हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं, ठीक है। वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोगों को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मद्रासा में कैंप भी सेटअप किया है, वहां पे लेके जा रहे हैं और वहां से फिर आगे बस लेके एनजीपी तक लेके जा रहे हैं।
तो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, साथ ही पुलिस का कहना है कि 5 लोगों की मौत हुई है। हालांकि ये बाइट कुछ समय पुरानी है और इसलिए मलबे वालों का आंकड़ा जो है वो अब बढ़कर 8 हो चुका है। साथ ही घायलों की संख्या भी 20 से ज्यादा बताई जा रही है। हादसा कितना भीषण है स्क्रीन पर जरा देखिए, और पीछे जो आपको एक डब्बा नजर आ रहा है वो डब्बा कितना क्षतिग्रस्त हुआ है इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था। ये आपको 2 तस्वीरें और साथ ही नक्शे पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस जगह पर यह हादसा हुआ है। पश्चिम बंगाल का न्यू जलपाईगुड़ी का एक क्षेत्र है। ये सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस की डाउन ट्रेन थी जो हादसे का शिकार हुई है, क्योंकि यही पैसेंजर ट्रेन थी जिसे पीछे से टक्कर मारी है मालगाड़ी ने। मालगाड़ी के कई डब्बे भी पटरी से उतरे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो इस समय पटरी पर खड़ी हुई कंचनजंगा एक्सप्रेस को हुआ है, क्योंकि इसी में यात्री सवार थे। मरने वालों का आंकड़ा अभी तक 8 बताया जा रहा है। स्क्रीन पर पीछे जो आप जो इलेक्ट्रिक पोल है उसके पास का डब्बा देख रहे हैं वो किस कदर क्षतिग्रस्त हुआ है। डब्बे के एक तरीके से परखचे उड़ गए हैं, इतना ज्यादा क्षतिग्रस्त ये डब्बा हुआ है। अंदाजा लगा सकते हैं आपके इंपैक्ट यानी इनका जो असर है, इस टकराव का जो असर था वो कितना ज्यादा था। इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि जो पीछे का पार्सल रैक था वो इंजन के ऊपर चढ़ गया, यानी रफ्तार इतनी तेज थी मालगाड़ी की। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मालगाड़ी के ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक नहीं लगाया या सिग्नल मालफंक्शन हुआ। आखिर उस पटरी के ऊपर मालगाड़ी कैसे आ गई जिस पटरी के ऊपर ऑलरेडी एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई थी। तो इन तस्वीरों से बहुत सारे सवाल अभी भी उलझे हुए हैं, इन सब सवालों के जवाब सामने आना बाकी हैं जो जांच से सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल प्रशासन, चाहे रेलवे का हो चाहे राज्य सरकार का प्रशासन हो, उसकी प्राथमिकता है युद्ध स्तर पर बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाना, क्योंकि कई यात्री यहां पर चोटिल हैं, कई यात्रियों को यहां पर गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से वहां पर एम्बुलेंसेज अरेंज की गई हैं, साथ ही जो रेलवे पुलिस है वो भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तत्काल वहां पर पहुंचाया गया है और इस समय बचाव का कार्य चल रहा है, क्योंकि रेल के डब्बे क्षतिग्रस्त होने के बाद गैस कटर से उन्हें काटकर लोगों को निकाला जा रहा है। हादसा बेहद भीषण है, कितना भीषण है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ये जो नीले रंग के डब्बे आपको गिरे हुए नजर आ रहे हैं ये डब्बे मालगाड़ी के डब्बे हैं, और साथ ही इंजन के ऊपर चढ़ा हुआ जो डब्बा आप देख रहे हैं ये कंचनजंगा एक्सप्रेस का डब्बा है।